हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सुनो, हरे राम राम कहो बारम बारा और चक्र सुदर्शन है रखवारा। तो यहाँ चार पाई कहीं? हाँ, ये तरह तो हम ढेर जानी थी। अच्छा है? सुनाओ जरा। ले बाबा सुनो। सुनाओ बच्चा जरा सुनाओ। ले गुरुजी ले सुनो। हाँ हाँ सुनाओ जरा भाई। ले सुनो। अरे कहते कबीर सुनो भरी और एक मेहरारू का देखा नंगी। अरे मूर्ख कही गए, ये कैसी भाषा बोल रहा है, क्या कह रहा है? अरे ये कौन सी चौपाई कह रहा है, एक मेहरारू को देखा नंगी? अबे किसको देखा है, किसकी बात कर रहा है? कहीं अपनी घरवाली की बात तो नहीं कर रहा बे? अरे ठीक यार, गंदी बात कर रहा है। फिर ऐसी बात क्यों कह रहा है बे, किसको देखा है तूने? नहीं जनतियों का हमने तो नहीं समझा। अरे यार वी जो ना सती अनसुईया रही वो नंगी नंगी नहीं रही का? अरे वाह, मैं तो समझ रहा था कि तू बड़ा मूर्ख है, लेकिन तू तो बड़ा विद्वान बड़ा ज्ञानी है। तू उस समय की बात कर रहा है जब प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश माँ सती अनसुईया की परीक्षा लेने गए थे, उस समय की बात कर रहा है तू? है समझ गया, तू बहुत ज्ञानवान है। और सुनो, आपका वही जमाने क्या बात करी थी? हाँ हाँ भाई, वही तो मैं ही सोच रहा हूँ कि बड़ा ज्ञानवान है तू, उस जमाने की बात कर रहा है। आपका वही जमाने की बात आ करी, तुम कहाँ जाने यही जमाने की बात करी? नहीं 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 समझ रहा हूँ। और सुनो, और बताओ। और दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। अरे बाप बाबा बनो तो टांगौ झोरी औ हम आइन यही कोरी। अरे इधर आ, इधर आ, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कवाई हम चौपाई बता रहे हैं, तुम साले ये कोरी की बात कर रहे हो, तुम जात बता रहे हो? ये चार पाई तो है। भट बेवकूफ कहेगा, ये कौन सी चौपाई बे, हम है ये है कोरी। सुन आज तो हमारे सामने ऐसी बात तूने कह दिया, अब भविष्य में कभी भी भूल कर ऐसी बात मेरे सामने मत कहना, जात पात की ऊंच नीच की भेदभाव की बात मत करना, समझे? सुन आज तक भगवान ने दुनिया में मनुष्य की कोई जात नहीं बनाई और ना ही मनुष्य की कई जात होती है। सुन, जात किस में होती है जानता है? कोई ना होत बाबा गुरुजी। जात होती है पशु पक्षियों में, जानवरों में, क्योंकि वो अनेकों रूप रंग के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, उनमें जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं। और मनुष्य की कौन सी जात है? देख, हर मानव एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, किसी में कोई परिवर्तन तो नहीं है? नहीं बाबा। हाँ देखो डियर मन ही बैठे तो? तीन रात जाऊ लाग वही के आगे तक कहू के पूछो नहीं ना। तो फिर तूने ऐसी बात क्यों कह दिया? सुन अगर आज तक भगवान ने मनुष्य में जात बनाई है तो सिर्फ दो ही जातियां ईश्वर ने बनाई है मनुष्य में, और कोई जात वात नहीं बनाई भगवान ने। वो कौन जात है बाबा? सिर्फ दो जातियां मनुष्य में होती है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। जान गए क्या जान गए? एक स्त्री दूसरा पुरुष। पुरुष नहीं दरोगा बट स्त्री और पुरुष मतलब कि औरत और मर्द।
इसके अलावा मनुष्य की कोई जात नहीं होती। सुनो, अच्छा यूं ही बातों बातों में समय बीत जाएगा और रानी माँ को वहाँ बड़ा कष्ट होगा, इसलिए सुनाओ भजन, और वो भजन सुनाओ जिसमें राम का नाम हो। राम वाला और क्या? अरे तो ऐसा बताओ, उधर रहेगा कि राम रहा भी माँ। हाँ, राम वाला सुनाओ। अरे कहा जाई राम हो, कहा जाई राम। वाह बच्चा वाह, कितनी सुंदर भजन छेड़ा है तुमने, पहले ही राम का नाम आ गया। और का बाबा की। अरे वाह बच्चा वाह, सुनाओ सुनाओ। अरे कहा जाई राम हो, कहा जाई राम। और लड़के जुले में जवानिया कहा जाई। हे महाराज, हे महात्मा, हे बाबा जी, कहाँ जाई राम? मारू एक झापड़ ना, दिमाग खराब हो जाएगा बेवकूफ कहीं का। हमने तो समझा, बड़ी अच्छी भजन सुनाने जा रहा है, पहले ही भगवान का नाम आ गया। और ये इमा राम है तो यार। अरे राम तो है, ठीक है, लेकिन ये बता, ये बीच में जुलमी जवनिया कहाँ से आ गई बे? अरे यार, जुलमी जवनिया ना रही तो कतो भजन नीक लागी का। ऐसी भजन साले सुनाओगे, ऐसी भजन गाओगे, कोई अपने दरवाजे बैठने नहीं देगा, कोई एक लोटा पानी के लिए नहीं पूछेगा। एक बात सुन ले बाबा, हम यही तरह का भजन जानी थी। जैसे? जैसे जींस ढीला करो। हाँ। छोट बाटे छेदा अंगूरी घसो रही दे। अंगूरी नहीं, वहाँ बांस चपा दे हैं। बाजा बाजी की ना बाजी? बाजा नहीं बजेगा, हम दोनों का बाजा बजा दिया जाएगा वहाँ। लड़ाई ले नहीं रहा दे। हम यही तरह के भजन ढेर जानी थे। रहने दे रहने दे, एक बोरिया और धरे हैं। तू तो मार खाएगा और हमें भी मार खिलाएगा, बेवकूफ कहीं का। अच्छा यह बताओ बाबा जी। हाँ बच्चा जी। ये पेटीकोट बाबा ही यार की चीज। अच्छा अच्छा, पेटीकोट बाबा। हाँ हाँ, चाइना बाबा। बोलो। यह बताओ, तुमका कुछ भजन वजन आवत है? हाँ कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। अगर जाना थो तो हमका सुनाओ। अच्छा। और हम सीखी सुनी सीखी तो फिर हम गाई नहीं, हम यही तरह का भजन तमाम। अच्छा ये बात है। हाँ। तो ठीक है, मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। हाँ। तुम भी मेरे साथ गाओ। ठीक ठीक है, ठीक सुनो। अरे कौन जी भिया से नबी जी, कौन जी भिया से नबी जी, और करू वर्णन तोहरी, कौन जी भिया से नबी जी, करू वर्णन तोहरी, कौन जी भिया से नबी जी। वर्णन तोहरी करू वर्णन तोहरी, और कौन जिभिया से नबी जी, कौन जिभिया से नबी जी, करू वर्णन तोहरी, कौन जिभिया से नबी जी। चभलक 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 चभल। अरबी छैला तोहरे खातिर धरे फकीरी भेष, अरबी छैला तोहरे खातिर धरे फकीरी भेष, तनिक दया तुम हम पर करते हो और दिखौते हो मदीना देश, और वह सपनवा माँ दिखौते हो, वह सपनवा माँ दिखौते हो,
ओढ़े काली कमली वा सपनवा मा देखौत्यो, ओढ़े काली कमली वा सपनवा मा देखौत्यो। बच्चा आ इसी तरह गाते बजाते हम लोग चलते हैं। काली कमली राम काली कमली, काली कमली राम काली कमली, अरवा सपनवा मा देखौत्यो, ओढ़े काली कमली वा सपनवा मा देखौत्यो। आओ चलते हैं, आओ सिपाही जी। महाराज जी, आज हम चाहते हैं कि जल्लाद को बुलाकर महारानी और उनके बच्चे का कत्ल करवा दिया जाए, ताकि मैं इस उज्जैन का ताजदार बन जाऊं। जब तक महारानी उनका बच्चा जीवित रहेगा, मैं ताज धारण नहीं कर सकता। इसलिए बुलाओ जल्लाद को, महारानी उनके बच्चे का कत्ल करवाओ। महाराज, जल्लाद ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर जल्लाद नहीं मिला। मालिक, आप बच्चे हो, हमें जल्लाद की जरूरत है। जाओ, तलाश जारी रखो। क्यों नहीं महाराज, जहां कहीं भी मिले उसे बुलाकर राजमहल ले। क्यों नहीं? काली कमली कमली वह सपनवा मा देखौत्यो, वह सपनवा मा देखौत्यो, ओढ़े काली कमली वह सपनवा मा देखौत्यो, ओढ़े काली सब सखियन की चीर ले मोहन चढ़े कदम की डाल, और दे डालो तुम चीर हमारी बन के कृष्ण मुरार, और वह मुरलिया फिर बजौत्यो। मुरलिया फिर बजौत्यो, धर अधर पे मुरली वह मुरलिया फिर बजौत्यो, धर अधर पे मुरली वह मुरलिया फिर बजौत्यो। सिपाही देखो, मैं जल्लाद ना मिलने से खुद उलझन में उलझा हुआ हूँ। इसलिए महात्माओं की हम कोई सेवा ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए तुम इन महात्माओं को ले जाओ साई खजाने से, इन्हें इनकी दान दक्षिणा देकर राजमहल से विदा करो। बाबा हाँ, चलिए हमारे साथ चलिए, अपना दान और दक्षिणा ले अपने भवन को जाएं। ना ना बच्चा ना, कहे बाबा हम इस तरह दान दक्षिणा लेकर वापस नहीं जाएंगे। क्यों बाबा? क्योंकि आज आज हम देख क्या रहे हैं कि आज उज्जैन नरेश महाराज के चेहरे पर ये उदासी, ये खामोशी, ये निराशा कैसी, क्या बात है जो आज महाराज अपना शीश नीचे को झुकाए हुए बैठे हैं। ऐसा लगता है कि महाराज किसी बहुत बड़े गम में मुब्तिला हैं। मैं इनकी उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूं। महाराज, राजन, और बता बता दे
हमें तू और उदासी का कारण बता दे हमें तू। बता दे हमें तू उदासी का कारण, बता दे हमें तू उदासी का कारण, समस्या का तेरे करूंगा निवारण, समस्या का तेरे। समस्या क्या कोई जटिल आ गई है, समस्या क्या कोई जटिल आ गई है, जो बैठा है बच्चा किए मौन धारण, जो बैठा है सर। मुनिराज मैं किस उलझन में उलझा हुआ हूं, क्यों उदास बैठा हूं? हाँ महाराज, क्या ये सब आपको बता भी दूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों महाराज क्यों? क्योंकि मैं जिस उलझन में उलझा हूं, जो समस्या मेरे ऊपर है, उसका निदान, उसका समाधान आपके पास नहीं है महाराज, इसलिए आपको बताने से कोई फायदा नहीं होगा। ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी समस्या का निदान नहीं है? आप एक बार बताएं तो सही कि आपकी समस्या क्या है। हो सकता है कि आपकी समस्या का निदान, आपकी समस्या का समाधान हो ही जाए। मुनिराज मैंने ये नहीं कहा कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, मैंने ये कहा कि आप मेरी समस्या का निदान नहीं कर सकते। लेकिन राजन आप बताएं तो सही कि आपकी समस्या क्या है। अगर आप इतनी जिद करते हैं मुनिराज तो सुनिए, हमें दो कत्ल करवा दो। कत्ल? क्यों? कत्ल का नाम सुनते ही पैरों के नीचे से धरती खिसक गई और मेरी समस्या का निदान करने आए थे। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। कत्ल का नाम सुनकर मैं घबराया नहीं, फिर? और न ही मुझे कोई दहशत हुई है, बल्कि कत्ल का नाम सुनकर मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। हुआ कल? हाँ महाराज। क्या था आपका बीता हुआ कल? महाराज मैं पहले जल्लाद था। क्या? पहले हम दोनों जल्लाद का काम किया करते थे। जल्लाद थे? मैं पहले जल्लाद था, आज हुआ हूँ संत, अब भजता हूँ राम को, पहले करता था। अगर ऐसी बात है और आप मेरी समस्या का समाधान करना ही चाहते हैं मुनिराज, तो देर किस बात की है, तो फिर जल्दी से जाइए, फिर जल्दी से जाइए, अरे मेरे भगवान, और तय खाने में कीजिए माँ और उसके बेटे का अंत। ठीक है महाराज। सिपाही महात्माओं को तय खाने ले जाओ, इनके हाथों में कत्ल करने का औजार दो, महारानी और उनके बच्चे का कत्ल करवा कर उनके मौत की खबर हमें आकर सुनाओ, ये मेरा हुक्म है। तामील। बाबा। हाँ बच्चा। चलिए हम कत्ल करने का औजार लाते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ चलो तय खाने, फिर उसके बाद माँ और बेटे का कत्ल करना होगा। ठीक है, जाओ तुम कत्ल का औजार लेकर आओ पहले। क्यों नहीं बाबा। माल पानी। हाँ गुरुदेव। देखो अब हम चल रहे हैं तहखाने के अंदर रानी माँ के पास, इसलिए अब हमें बहुत ही सावधान और होशियार रहने की जरूरत है, कहीं हमारा भेद न खुल जाए, इसलिए हमेशा होशियार रहना होगा। गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। बोलो बच्चा। यह जौन बुलेट हुआ ना। हाँ हाँ। या हमारे साथ सार रात रहन, आज वहू नहीं पहचाना तुमको। माल पानी। हाँ। हमें कोई ना पहचाने, इसी में हमारी भलाई होगी, यही हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ, देखो वो कत्ल करने का औजार लेने गया है, आता ही होगा, इसलिए
लीजिए बाबा। अच्छा तो ये है कत्ल करने का औजार? क्यों नहीं बाबा। ठीक है, लाओ इसे और चलो, अब हमें वहां ले चलो जहां पर वो माँ बेटी कैद हैं। आ बाबा हमारे साथ चलो बच्चा। श्या भगवान, ये किस जन्म का बदला ले रहे मालिक? मेरा बच्चा भूख से परेशान है, एक कौड़ा रोटी मुझे नहीं मिल रही। किस खता की दे रहे मुझको सजा भगवान? पानी सदरदेव, देख रहे हो रानी माँ की क्या हाल है, किस तरह बेचारी रो रही है, इस कैद खाने में अपने बच्चे को लेकर किस तरह बिलक बिलक कर रो रही है, तड़प रही है। आज इनकी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। गुरुदेव मालपानी, गुरुदेव रानी माँ को होश में लाओ, उठाओ इन्हें। लेकिन सुनो, हमें यहां भी होशियारी से काम लेना है। ठीक गुरुदेव। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तहखाने के आसपास हमारी बात सुन रहा हो, इसलिए रानी मां गांव से देखो हमारी तरफ, हम हैं प्रताप सिंह के भेजे हुए जल्लाद जो तुम्हारा और तुम्हारे इस दुधमुहे बच्चे का कत्ल करने आए हैं। अब शीघ्र ही तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रताप सिंह? हाँ हाँ, हमें प्रताप सिंह ने भेजा है। मंत्री जी राजी ले लो, ये शोक से
पर राज ते तक चली जाऊंगी। जान हम दोनों की बख्त दीजिए, जान हम दोनों की बख्त दीजिए। लौट कर फिर दोबारा नहीं आऊंगी। रानी मां घबराओ नहीं राजमाता, तो रानी मां करिए दशा आपकी। रानी मां देख करिए दशा आपकी, और यह कलेजा हमारा फटा जा रहा, कलेजा हमारा भेष साधु का रख करके आए हैं हम, भेष साधु का रख करके आए हैं हम। मैं हूँ सेनापति साहब बतला रहा, रानी मां हम कोई जल्लाद नहीं रानी मां, बल्कि हम तुम्हारी सेना के सेना नायक सेनापति विजय सिंह है रानी मां। हाँ रानी मां, सेनापति क्या बात है रानी मां? आपसे मेरी एक विनती है। क्या कहना चाहती है राजमाता, बोलिए। लाली को मेरे बचा लो, मैं चूमती हूँ कदम। क्या क्या कर रही रानी मां? लाल के बदल मुझे भेज दो बेतकी अदमी। उज्जैन का वारिस है ये बच्चे किस तौर से, उज्जैन का वारिस है ये बच्चे किस तौर से। आपका एहसान ना भूलूंगी उम्र। मेरे बेटे को बचा लो, नहीं उज्जैन का चिराग डूब जाएगा। नहीं रानी मां, ऐसा नहीं होगा रानी मां। उस मालिक पर भरोसा रखो रानी मां, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रानी मां आए तो हम इसीलिए हैं कि तुम्हें इस कैद खाने से छुड़ा लें, लेकिन अफसोस लगता है कि हम अपने काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे रानी मां। इस कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है, हम किसी भी हालत में आपको इस तहखाने से छुड़ाकर लेने जा सकते, लेकिन घबराओ नहीं रानी मां। इस तहखाने का एक गुप्त रास्ता जो हमें पहले से मालूम है, आओ उसी गुप्त रास्ते से हम तुम्हें लेकर यहां से निकल चलते हैं। किसी को
खबर नहीं होगी। हे मालपानी सुनो, संभालो ये हथियार, इस हथियार को अपने पास रखना, और रानी माँ की हाथों की हथकड़ी खोल दो पहले। और सुनो, तुम रानी माँ को लेकर इसी गुप्त रास्ते से निकलो, और एक बात याद रखना, कोई भी दुश्मन तुम्हारे आगे पीछे आए तो उस हराम जादे को जिंदा मत छोड़ना, ठीक है? ठीक। रानी माँ को लेकर निकलो इधर से। महारानी जी, चलते हैं। चलो माल पानी। चलिए रानी माँ, आओ चलते हैं। दौड़ो, पकड़ो, घेर लो, करो न पल की देर। दौड़ो, पकड़ो, घेर लो और करो न पल की देर। इस साधु शैतान को करो जमी पर ढेर। दीवान तू और समझ न मुझको संत। हाँ दगा बाज दीवान तू और समझ न मुझको संत। और मैं सेनापत विजय सिंह और कर तू तेरा अंत। मैं सेनापति विजय सिंह सामने मेरे हो जा खड़ा। बाप सामने बाजब सामने मेरे हो जा खड़ा। बेटा बाप की घर मेरी ईशान में खालते गो से तेरी मैं उड़ा तू अभी हे कड़ी भूल जाएगी कान में। तो मंत्री प्रताप सिंह ध्यान देकर सुनो। मंत्री प्रताप सिंह ध्यान देकर सुनो। तुझसा कमी ना न संसार में राह हक में जो कर दे और मुझको फना। आज देखूंगा कितना तू कल भी है। तो प्रीतय के पर शायद तुझे नाज है इसलिए तू गलत जहर जा रहा। आए सिपाही से घेर कर मार दो काल सर पर है बिस्के। तो किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे। आए वो सामने जिसमें हो हौसला चाह थैली पे रख करके आए हैं हम। जिंदगी मौत का पल में हो फैसला। Thank you.
लाजमा मिर्जा झोंक। अरे बाप रे, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे इसे मिर्जा झोंक के चला। सिपाही विजय सिंह कहाँ है? विजय सिंह कहाँ है? कान खोल कर सुन लो, अगर सेनापति विजय राजमहल के बाहर जिंदा चला गया तो कोई भी सिपाही मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। जाओ चारों तरफ से घेर कर विजय सिंह को राजमहल के अंदर दफन। सेनापति विजय, तुझे नहीं पता कि ये प्रताप सिंह यहां का राजा बन चुका है, और तू क्या समझता है प्रताप सिंह की आंखों में धूल डालकर तू अपनी जान निकालेगा? विजय सिंह ये राजा प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा।